नेक्स्ट में अगेन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जांपल्स। इस केस में अगेन मैंने एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया विद फोर एलिमेंट्स, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया। डायग्राम्स के अकॉर्डिंग एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने फाउंड हो रहे, एग्जैक्टली फोर एलिमेंट्स, 10, 20, 30 and 40। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, नेम इज A0। नेम ऑफ सेकेंड एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट A1, A2, A3। अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, देन रिमेनिंग एलिमेंट का एड्रेस क्या हो, 102, 104, 106। इस बेसिस पर जस्ट इसको डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग्स, इस केस में देखा जाए तो प्री ऑपरेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्रैकेट्स के अंदर भी फाउंड हो, ब्रैकेट के बाहर भी फाउंड हो, तो पहले किसको चांस मिलेगा, इनर देन आउटर। क्लियर। अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला था सबसे पहले परफॉर्म क्या होता, ऑल प्री ऑपरेशंस एक साथ, देन एक साथ सारे के सारे प्री परफॉर्म करने के बाद देन क्या होगा, असाइनमेंट। देन थर्ड केस में परफॉर्म क्या होगा, ऑल पोस्ट ऑपरेशन, लेकिन करंट एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी पोस्ट ऑपरेशन नहीं, इसलिए इस थर्ड स्टेप जस्ट स्किप करा दो, ओनली परफॉर्म क्या कराना फर्स्ट और सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराएंगे, ऑल प्री ऑपरेशन, इसके अलावा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जस्ट एक्स विद इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, ऑल प्री, तो पहले प्री इनर ब्रैकेट्स के लिए परफॉर्म कराएंगे 1, 2 प्लस ए प्री इंडिपेंडेंट है, इसको भी परफॉर्म कराओ तो इससे ए अफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर। एंड फाइनली एक्स के लिए 2 टाइम इंक्रीमेंट है, तो एक्स में 2 टाइम इंक्रीमेंट करो 1, 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या जाए 2, यानी 1 टाइम क्या एक्स में डिक्रीमेंट, तो 1 टाइम डिक्रीमेंट होगा तो एक्स का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा, फाइनली 1। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। अब जहाँ भी आप एक्स यूज करें तो एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या करा सकते हैं, जस्ट करंट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 1, इट विल बिकम्स प्लस प्लस ए ऑफ 1। अगेन इस प्लेस पर एक्स का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 and also 1। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट के रिस्पेक्ट में अगेन क्या है प्री, तो प्री के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, पहले इंक्रीमेंट। याद रखना प्रीवियस केस में कौन सा रूल अप्लाई हुआ था, इनिशियलाइजेशन, सॉरी असाइनमेंट रूल, क्योंकि डायरेक्टली असाइनमेंट में अपीयर हुआ था, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जब सेम ऑपरेशन फिर से अप्लाई करोगे, देन आप अप्लाई करो इस केस में इनिशियलाइजेशन रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्पेशली याद रखना लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो इंक्रीमेंट फाउंड हो रहा है, इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए ऑफ वन में पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले रिप्लेसमेंट, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट, और ए ऑफ वन का करंट वैल्यू क्या 20, तो पहले इंक्रीमेंट कराओ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए 21। इंक्रीमेंट के जस्ट बाद रिप्लेसमेंट। क्लियर। देन रिप्लेस क्या हुआ स्पेस पर 21, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम अगेन ए ऑफ वन, और ए ऑफ वन का वैल्यू क्या फाउंड 21। अगर स्पेस पर वन मोर टाइम्स प्री होता सपोज दैट, तो फिर से परफॉर्मिंग से दोनों प्री एक साथ परफॉर्म होकर लेफ्ट टू राइट परफॉर्म कराते, स्पेशली याद रखना इन दैट केस। देन अगेन करेंटली ए ऑफ वन का वैल्यू ऑलरेडी क्या फाउंड हो रहा है 21, तो रिप्लेस क्या हो रहा है 21, इसका सम क्या आएगा 43। फाइनली 43 आसान हो जाएगा इनसाइड वेरिएबल एक्स, नाउ एक्स बिकम्स 43। प्रिंट एप के थ्रू जस्ट इसका आउटपुट भी क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो 43।